हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों दोस्तों जितेंद्र शाही ने अभी 3 दिन की भूख हड़ताल की थी, उसमें सांसद कौशल किशोर जी ने जो आश्वासन दिया था शिक्षा मित्रों को कि हम आपके जो समर्थन में कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द समाधान हो उसके लिए आगे पत्र भी लिखेंगे। दोस्तों जैसा कि उन्होंने पत्र भी लिखा है MHRD मंत्रालय को, और MHRD मंत्रालय की तरफ से शिक्षा मित्रों के लिए दोस्तों जवाब आ गया है। तो आइए आपको वो पत्र भी दिखाएंगे दोस्तों जो MHRD मंत्रालय की तरफ से आया है, सांसद जी को भेजा गया है। तो आइए चलते हैं, पूरी न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों, जितेंद्र शाही की तरफ से सभी बातें बताई गई। मित्रों जैसा कि आप लोग जानते हैं, संगठन जो आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन है, आपके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सभी सांसदों जो माननीय हैं उनको पत्र लिखते रहे और विभिन्न माध्यमों से पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी तक पहुंचाएं। इसी क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी के माध्यम से हमने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी एवं माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जी को पत्र लिखवाकर आप सबकी समस्याओं के निराकरण की मांग की थी। दोस्तों देख सकते हैं कि जितेंद्र शाही ने कौशल किशोर जी से, जो सांसद हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही बड़े नेता हैं, उनके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखवाया और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री को, उसी को लेकर दोस्तों कार्रवाई हुई है और पत्र भी आया मानव संसाधन मंत्री की तरफ से। अब आइए चलते हैं, पत्र भी आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों, जिस पर माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का पत्र माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी के नाम जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उनकी मांगों के संबंध में पत्र व्यवहार संबंधित अनुभाग को कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कौशल किशोर जी को ये बात बताई गई है कि उनके जो संबंध शिक्षा मित्रों से संबंधित जो समस्या उन्होंने बताई थी उसको लेकर उनकी मांगों के संबंध में पत्र व्यवहार है संबंधित अनुभाग को कर दिया गया है। दोस्तों अर्थात स्पष्ट है कि आप सबकी रोजी रोटी और भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित करने की कार्रवाई शासन स्तर पर चल रही है। दोस्तों ये बड़ा पॉइंट निकल के आया दोस्तों, इस जो लेटर आया है केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री की तरफ से डॉक्टर सत्यपाल जी की तरफ से कौशल किशोर को, इससे एक बात तो साफ हो गई है दोस्तों कि शिक्षा मित्रों के लिए शासन स्तर पर कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है और स्थायी समाधान निकाला जा रहा है दोस्तों, और जिसकी निकलने की उम्मीद भी जल्द ही है, ये जितेंद्र शाही की तरफ से बातें बताई गई हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें ईश्वर, और देख सकते हैं दोस्तों इसमें जितेंद्र शाही जी ने बातें कही हैं। इसी के साथ हमारे प्रदेश भर के साथी कल शासन स्तर पर लखनऊ में हुई मीटिंग की जानकारी के संबंध में व्याकुल हैं। तो जैसा कि कल ही आपको अवगत कराया गया था कि मीटिंग अपने निर्धारित समय पर हुई, परंतु मीटिंग की जानकारी आधिकारिक रूप से अभी तक दोस्तों सामने नहीं आई है, लेकिन उसमें भी दोस्तों देख सकते हैं तक नहीं मिल पाई है, जिसके कारण आप तक सूचना नहीं पहुँचा। जैसे ही मीटिंग की कार्यवाही जारी होगी तुरंत सभी लोगों को बता दिया जाएगा, ये जितेंद्र शाही की तरफ से बातें की गई। लेकिन हृदय दुबे का साफ कहना है कि इसमें जो उप मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट मीटिंग जो होनी है और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग होनी है उसमें जो कमेटी रिपोर्ट है उसको प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए। तो देख सकते हैं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री की तरफ से शिक्षा मित्रों के संबंध में एक बड़ी बात कही गई है और लेटर भी दोस्तों भेजा गया, आप लोगों को लेटर भी दिखाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं ये बड़ी खबर आ रही है जो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री की तरफ से आ रही है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए कार्रवाई हो रही है और जल्द से जल्द समाधान होने वाला है। ये सांसद जी को उन्होंने कौशल किशोर जी को पत्र के माध्यम से बताया है दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आप लोगों को वो पत्र भी दिखाते हैं जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल जी के द्वारा कौशल किशोर जी को भेजा गया है, जिसमें शिक्षा मित्रों के स्थायी समाधान के लिए कहा गया है दोस्तों कि कार्रवाई हो रही है, शासन स्तर पर गतिमान है। आइए चलते हैं, आप लोगों को वो लेटर दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, डॉक्टर सत्यपाल सिंह के द्वारा ये पत्र भेजा गया है, देख सकते हैं आप लोग पत्रांक, कृपया अपने पत्रांक ये दिनांक 11 जनवरी 2019 का अवलोकन करें, जिसमें आपने उत्तर प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों के समस्याओं के संबंध में अनुरोध किया है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि उक्त पत्र यथोचित कार्रवाई हेतु संबंधित अनुभाग को अग्रेषित किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं ये
जो केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं कि आपने जो पत्र भेजा था शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए, उसमें शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए समाधान हो रहा है और संबंधित अनुभाग को अप्रेषित किया की गई है ये कार्रवाई। देख सकते कौशल किशोर जी को, ये माननीय सांसद हैं लोकसभा के, उनको भेजा गया है डॉक्टर सत्यपाल सिंह के द्वारा 7/2/19 को ये पत्र आया है किशोर जी के पास, कौशल किशोर जी के पास दोस्तों। तो जितेंद्र साय की तरफ से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बार बार सभी सांसदों को और विधायकों को और मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी को पत्र देते गए हैं, और उसी क्रम में एक सांसद कौशल किशोर जी ने भी पत्र लिखा था, तो उसी के क्रम में ये पत्र आया है जवाब में। तो इसमें देख सकते हैं बड़ी खबर निकल गई शिक्षा मित्रों के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कौशल किशोर जी की जो पत्नी है, वाइफ है, वो विधायक है, उन्होंने सदन में भी शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया दोस्तों, और सरकार पे ही सवाल खड़े कर दिए कि अभी तक स्थायी समाधान क्यों नहीं हुआ। तो ये भी बड़ा पॉइंट निकल के आया कि दोस्तों विधायक जी ने भी सदन में शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया, और आप लोग ये पत्र भी देख सकते हैं अब। तो दोस्तों ये न्यूज़ आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए। आइए चलते हैं आप लोगों को एक और खबर बताते हैं जो संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। ये देखिए दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई 11 को होगी। जी हाँ दोस्तों, अब 69,000 जो सहायक शिक्षक की भर्ती का मामला है जो हाई कोर्ट में चल रहा है, उसकी अब सुनवाई 11 तारीख को होगी। कट ऑफ को लेकर ये मामला चल रहा है। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में चल रही सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी दोस्तों। तो इसमें एक बड़ी बातें सामने निकल के आई हैं कि शिक्षा मित्रों को, जी हाँ दोस्तों, सरकार ने शिक्षा मित्रों को कोशिश की है कि कोर्ट में अयोग्य घोषित किया जाए दोस्तों, क्योंकि सरकार ने काउंटर ही ऐसा लगाया, उसमें साफ कहा गया कि शिक्षा मित्र योग्य ही नहीं है। लेकिन जो शिक्षा मित्रों के वकील हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षा मित्र BTC प्रशिक्षण प्राप्त हैं और TT पास हैं, और ये लिखित परीक्षा जो हुई है इसमें भी पास हैं। लेकिन सरकार ने सिर्फ एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी हाई कट ऑफ लगा दी, जिससे सब शिक्षा मित्र बाहर हो जाएं दोस्तों। ये शिक्षा मित्रों के वकीलों की तरफ से आरोप लगाया गया, और सरकार अपने काउंटर से पीछे नहीं हट रही है 60-65 से। तो आइए आगे देखते हैं। राज्य सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अगले दिन कट ऑफ अंक तय किए जाने के आदेश के विरोध में सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने याचिका दाखिल की हुई है। इन पर हाईकोर्ट में सुनवाई अंतिम दौर में है। याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता LP मिश्रा की बहस चल रही है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, राज्य सरकार ने जो शिक्षक भर्ती के अगले ही दिन कट ऑफ लगा दी, उसी के आदेश के विरोध में शिक्षा मित्रों ने याचिका दाखिल की थी कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों लगाई है। जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें तो 40-45 कट ऑफ, और इस भर्ती में इतनी हाई कट ऑफ क्यों, ये शिक्षा मित्रों की तरफ से बड़ी दलीलें दी गई हैं दोस्तों। इन पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और हाई कोर्ट इन सभी बातों से सहमत भी दिख रहा है, और सरकार पे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आपने शिक्षक भर्ती की परीक्षा से पहले ही, अगर आपको इतनी हाई कट ऑफ तय भी करनी थी तो पहले क्यों नहीं की, 24 घंटे के परीक्षा होने के 24 घंटे के अंदर ही इतनी हाई कट ऑफ क्यों तय की गई, क्या आप किसी एक वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये बड़ी सवाल राज्य सरकार पे खड़े होते हैं दोस्तों। इन पर हाई कोर्ट में सुनवाई अंतिम दौर में, और बहुत ही जल्द इसका फैसला भी आने वाला है दोस्तों। शिक्षा मित्रों को उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, जितेंद्र साय की तरफ से सबसे पहले एक बड़ी खबर दी गई थी जो हमने आपको दोस्तों बताई। देख सकते हैं कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जो हैं, उन्होंने एक शिक्षा मित्रों के नाम पत्र भेजा, और उक्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि कार्रवाई भी हो रही है शिक्षा मित्रों के लिए। और आपको बता दें दोस्तों, 8 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी शिक्षा मित्रों के लिए, और अनुदेशकों, रसोइयों और आंगनबाड़ी सभी जो संविदा कर्मचारी उनके लिए बैठक हुई थी शासन स्तर पर, और उसमें खबर निकल के आई थी दोस्तों, हृदय दुबे की तरफ से खबर बताई गई थी कि इसमें शिक्षा मित्रों के लिए जो था, जो उप मुख्यमंत्री की डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी पर जो थी मुहर लग चुकी है, और वो अब कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट में दोस्तों भेजी जाएगी और उसे पास कराया जाएगा दोस्तों। ये खबर बताई गई थी। अब देखते हैं, देखने वाली दोस्तों बड़ी बात ये होगी कि उस कमेटी रिपोर्ट में आखिर शिक्षा मित्रों के लिए हुआ क्या था, और इसकी मुख्यमंत्री जी ही घोषणा करेंगे दोस्तों। ये खबर निकल के आई है, लेकिन साई जी की तरफ से खबर आई है दोस्तों। देख सकते हैं, हमने आपको लेटर भी दिखाया है जो साई जी की तरफ से आई है खबर, जो कौशल किशोर जी को ये पत्र भेजा गया है कि MHRD मंत्रालय की तरफ से। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, इसमें दोस्तों साफ साफ कहा गया कि शिक्षा मित्रों के लिए कार्रवाई हो रही है, और आप लोग ये खबर देख लीजिए दोस्तों। और हमने आपको दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है कट ऑफ को लेकर, शिक्षा मित्र
जो चल रहा है कि शिक्षा मित्रों का कहना है कि 40-45 कट ऑफ रहनी चाहिए, लेकिन सरकार अपनी बात से पीछे नहीं हट रही है, वो कह रही है 60-65 कट ऑफ रहेगी दोस्तों। लेकिन हाई कोर्ट का सरकार के ऊपर साफ सवाल है कि इतनी हाई कट ऑफ आखिर क्यों, पहले इतनी हाई कट ऑफ क्यों नहीं थी, तो ये खबर निकल के आई दोस्तों। तो दोस्तों ये आज दो बड़ी खबरें हैं जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं दोस्तों। न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।